हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में मार्च का वीक 3 पार्ट 1 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ओकुलोडेंटेटिव्स कॉन्गरे जो है स्पेसी, वो किस एनिमल से बिलोंग करता है? तो ये जो है ये बेसिकली डायनासोर से बिलोंग करता है। इनफैक्ट ये जो है स्मॉलेस्ट डायनासोर का स्मॉलेस्ट जो है स्मॉलेस्ट डायनासोर का जो आपका फॉसिल खोजा गया है, ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटा इनफैक्ट, और इसका वजन भी बहुत छोटा है। तो रिसेंटली इस पर स्टडी किया जा रहा है, और इसे जो कहा जाता है बर्ड डायनासोर, यानी कि पक्षी जैसा ये है बर्ड डायनासोर। और ये आपका जो है आई आई टूथ बर्ड भी कहा जाता है ये, ठीक है, आई टूथ वर्ड भी कहा जाता है। तो ये रिसेंटली इसका फॉसिल को आपका म्यांमार में खोजा गया, ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री इनोग्रेटेड रोपेक्स सर्विस? तो रोपेक्स सर्विस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसको इनोग्रेट किया, और इसका टारगेट ये है कि डिफरेंट लोकेशंस में जहां रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट का में अधिक टाइम लगता है, तो उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि इसको टाइम और मनी सेव किया जा सके। तो ये जो है मुंबई से मंडावे तक शुरू किया गया, ठीक है, मुंबई से मंडावे। तो मुंबई से मंडावे जो है वो उसका यदि देखोगे रोड डिस्टेंस जो है, रोड डिस्टेंस 110 किलोमीटर। अब यही रोपैक्स सर्विस के थ्रू वाटरवेज में करेंगे तो 18 किलोमीटर। तो अब इसमें मान के चलो बहुत टाइम लगता है, रोड वगैरह सर्विसेज खराब है, और ये तो सपोज 3 आवर्स लग रहा है, तो ये इसमें जो है बहुत कम टाइम में जाया जा सकता है, और रिलेटिवली जो है टाइम भी का भी बचत होगा, और आपका फ्यूल का भी सेविंग होगा, बहुत सारे ये फायदा है। तो इधर ये किया गया है, डिफरेंट एरिया में कोशिश किया जा रहा है कि जहाँ ये पॉसिबल है, जैसे गुजरात के कुछ एरिया में आप गुजरात का तट देखोगे तो इस ढंग से है कि यदि रोड से जाया जाए, सपोज इस ढंग का आपका स्ट्रक्चर है, तो इस यहाँ से मान के चलो ये वाला पॉइंट सपोज है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से यदि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है तो ये घूम करके जाएगा, अब ये डायरेक्ट यहाँ से चला गया, तो बहुत सारा ये फायदा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, एवरी ईयर एनुअल चैत्र जत्रा फेस्टिवल इज हेल्ड एट, तो ये तारा तारिणी हिल्स, इस वजह से ये फेमस है कि ड्यू टू कोविड-19, जो कोविड-19 के कारण ये जो आपका चैत्र जत्रा फेस्टिवल था इसको कैंसिल कर दिया गया, और ये आपका जो है उड़ीसा में है, ओडिशा में शक्तिपीठ है, यानी कि जो शक्ति जनरली ये दुर्गा का जो कहते हैं ना कि दो टाइम में होता है जनरली, जो दुर्गा की पूजा एक इस समय और एक विजयदशमी के टाइम पे, तो उस टाइम में और इस टाइम में, तो इस समय वाला जो है वो चैत्र चैत्र कहते हैं, चैत्र मंथ, चूंकि होली के बाद जो मंथ होता है वो चैत्र मंथ होता है, तो इसमें ये करा जाता है। तो ये जो है आपका कुमारी हिल्स पर सिचुएटेड है, और रुशिकुलिया रिवर, रुशिकुलिया रिवर जो आपका फेमस है वो आपका ये के लिए जो कछुए के लिए फेमस है, ठीक है ना, ओलिव रिडले टर्टल, टर्टल ओलिव रिडले टर्टल के लिए ये फेमस है, तो रुशिकुलिया रिवर के पास सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये उड़ीसा का एक फेमस शक्तिपीठ है, और इनफैक्ट जो आईएनएस तरिणी जो है, जो ऑल फीमेल मेंबर क्रू था, वो भी जो है तारा तरिणी हिल्स, जो तारा तरिणी श्राइन है इसके नाम पर भी लिया गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोलर चरखा मिशन, ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैज लॉन्च द मिशन ऑफ मिशन सोलर चरखा। हाँ सही है, देखो गांधी जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी, जो 150 ईयर्स ऑफ बर्थ एनिवर्सरी जो हमारा मनाया गया वो 2019 में, और इसमें क्या है कि गांधी जी चरखा पर बहुत ध्यान देते थे। तो ये क्या है ना कि एक तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मेन टारगेट ये होता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और ये जैसे देखो हम बड़े इंडस्ट्री यदि लगाते हैं तो बड़े इंडस्ट्री में रिलेटिवली जो है एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होता है, लेकिन एमएसएमई में जो है वो लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, रूरल एरिया को भी इसे प्रमोट करता है ये।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट है, इट इनविसेज इंप्लीमेंटिंग ऑफ 100 सोलर चरखा क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री. नहीं, ये 50 के जगह, ये 100 के जगह, सॉरी 100 के जगह ये 50 होगा. तो ये वाला गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट है, इन विच ईयर सागरमाला प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट. तो ये 2015 के द्वारा में ये इनॉग्रेट किया गया. इसका मेन टारगेट यही था कि जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है. एक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर हम ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, जो रोपैक सर्विस था क्वेश्चन नंबर 2 में, रोपैक सर्विस. और वो तो, लेकिन ये जो सागरमाला भी है वो भी एक तरह से पोर्ट लेड डेवलपमेंट का है. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विवाद से विश्वास स्कीम. तो ये जो आपका विवाद से जो है विवाद से विकास सॉरी विवाद से विश्वास स्कीम. तो इट ऑफर्स अ कंप्लीट वेवर ऑन इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी टू द टैक्स पेयर पेइंग डिस्प्यूटेड टैक्स ऑन और बिफोर मार्च 31, 2020. हाँ, तो ठीक है, ये वाला है कि जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी है, जैसे देखो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, टैक्स आपको पे करना है, लेकिन टैक्स के बाद जो जो होता है, ठीक है, तो टैक्स के बाद जो पेनाल्टी पे करना पड़ता है और उस टैक्स पे इंटरेस्ट, तो ये 31 मार्च 2020 तक करने पे ये आपका इसको वेव कर दिया जाएगा. नेक्स्ट ये है, इट डज नॉट अप्लाई ऑन द अपील्स फाइल्ड बाय टैक्स पेयर्स और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट. तो ये भी सही है, ठीक है. तो ये वाला जो आपका है कि दोनों आपका स्टेटमेंट सही है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, व्हेन वाज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास्ड. तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो आपका 1995 में इसको पास ये करा गया, ठीक है. तो ये 1995, अभी जो देखो COVID-19 के जो पेंडेमिक चल रहा है उसके अंतर्गत देखा जा रहा है कि जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उस पर स्टॉपेज किया गया है कि आप उसको या तो यदि ऑफिस कोई काम, जैसे मान के चलो सपोज आईटी सर्विसेज एंड ऑल, या फिर उस ढंग से यदि होम बेस्ड चल जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आप घर से बाहर ना निकले. और लेकिन एसेंशियल सर्विसेज जो है जैसे फूड आइटम्स, मेडिसिन, डॉक्टर और सारी चीजों, तो ये अलाउ है. तो ये 1955 में ये है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो ये है इंग्लिश और फ्रेंच. नेक्स्ट है, consider the following statements about Unnat Bharat Abhiyan. So it is inspired by the vision of transformational change in urban development process by leveraging knowledge institutions to help build the architecture of an inclusive India. So ye dekho, ye jo urban ke jagah jo hoga, ye rural hoga, theek hai na, ye aapka rural ho jayega. To first statement aapka galat ho gaya. Next hai, it envisages the faculty and students of higher educational institutions in identifying development issues in rural areas and finding sustainable solutions for the same. सही है, ये आपका B हो जाएगा. Next है, ExoMars mission is of which agency, space agency. तो ये है European Space Agency and Russian Space Agency. देखो इसका target ये two phases में अभी है. तो एक phase जो first phase है ये 2016 में launch करा गया, और जो second phase है तो वो जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है. बट एट दिस टाइम यू कैन नॉट बी श्योर कि अब फिलहाल क्या होना है, लेकिन 2020 में ये, तो ये एक्चुअली जो है ये एक रोबोटिक मिशन है. रोबो के थ्रू वहाँ स्टडी करा जाएगा, और ये इसका जो टारगेट है कि ये फाइंड करना कि मार्स जो है इस पर पास्ट लाइफ था या नहीं, पास्ट लाइफ एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं. यदि कर रहा था तो हम उन स्थितियों को, उन कंडीशंस को स्टडी करेंगे, और यदि पॉसिबल होता है, क्योंकि हम नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो मार्स ही है. इनफैक्ट आपको देखो स्टीफन हॉकिंस फेमस साइंटिस्ट ने कहा था कि हमें जो है पृथ्वी से को छोड़ करके दूसरे ग्रह को सर्च करना होगा जहाँ कि हम रह सकें. अभी ही देखो जैसे ये पैंडेमिक आया COVID-19, और ऐसे ऐसे दुनिया में जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और सारी चीज न्यूक्लियर आर्सेनल हमारे पास है, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है. तो हम फ्यूचर में ये चाहते हैं कि दूसरे जगह ये करें. तो इस 10वें क्वेश्चन के, हाँ ये देखो यहाँ ये वाला जो है ये गलत है, इसके जगह आपको आंसर यहाँ सी होगा, ठीक है. तो ये आपका नहीं है, यहाँ आंसर आपका सी है.
तो ये इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए गए हैं, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।